हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति पसंदीला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको इसका ये बताऊं डायमीटर, तो देखिए ये हमारा 13 इंच डायमीटर है। तो कुछ लोग 13 इंच डायमीटर की पोशाक 9 नंबर की काना को पहनाते हैं, कुछ 8 को पहनाते हैं। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे 13 इंच डायमीटर की पोशाक बना दी है। ये आप 8 को भी पहना सकते हैं, 9 को भी पहना सकते हैं, डायमीटर के हिसाब से आप जिसको भी पहनाएं। कमर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ढीली इस तरह से छोड़ के करी है कि आपको 8 को भी आए और 9 को भी आए। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। ये है इसके साथ मैचिंग की चोली। मैंने इसके पहले 10 नंबर के काना की वीडियो अपलोड की थी, तो आप में से काफी सारे लोग का कमेंट आया कि दीदी प्लीज 9 नंबर के काना के लिए बताओ। तो वो मैंने 14 इंच डायमीटर की बनाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे 13 इंच डायमीटर का बनाया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पर फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है amritipasandlove50, और या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और एक चीज और गाइज, अगर आप इस तरह का फैब्रिक, इसमें से किसी भी तरह का फैब्रिक, रिबन, टिश्यू रिबन, डोरी, कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7237862439 7237862439 तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं जिनको भी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बुकरम लिया हुआ है। ये मैंने 9 इंच डायमीटर का बुकरम लिया है, आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमने 9 इंच डायमीटर का बुकरम लिया है। डायमीटर कट करना मैंने पिछली वीडियो में आप चेक करेंगे तो मैंने बताया है ये किस तरह से आप सभी साइज के लिए डायमीटर कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 9 इंच का डायमीटर कट किया। इस पर मैंने देखिए अस्तर एक साइड से इस तरह से चिपका दिया, प्रेस करने पर यहाँ पे अस्तर चिपक जाता है। तो इस साइड हमारा अस्तर लगा है और इसकी दूसरी साइड हम ये अस्तर का फैब्रिक इस तरह से रखेंगे और दूसरी साइड वाला हमें देखें इस तरह से ऐसे मोड़ के लगाना है, जिससे इसकी किनारी जो है ये कॉर्नर हमारा लॉक हो जाए। तो यहाँ पे आप सिलाई को लंबा करें और इस तरह से मोड़ के यहाँ पे सिल देना है। चलिए सिल देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे फोल्ड करके सिल लिया। ये हमारी सीधी साइड रहेगी और ये वाली जो है वो उल्टी साइड रहेगी, जिधर हमारी अच्छी सी फिनिशिंग है। अब मैंने यहाँ पे देखें ये गोटा पट्टी वाला फैब्रिक लिया हुआ है। ये इस तरह से 5 इंच चौड़ाई ली है इसकी और टोटल लंबाई हमारी 45 इंच है। ये देखिए डबल करके मैंने प्रेस लगा दिया है इस पर, इस तरह से डबल करके प्रेस लगा दिया। अब ये फोल्डेड साइड जो है वो हमारी नीचे की तरफ रहेगी और खुली हुई साइड पे हम इस तरह से ऊपर रखेंगे। तो इसे हम एक जगह से इस तरह से मोड़ लेते हैं, जिसे हम इसे यहाँ से ऐसे कट कर सकें। यहाँ से हमें इसे कट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोड़ के मार्क कर दिया है और इसमें से भी देखिए थोड़ी दूर गोटा नहीं होता है, तो जितनी दूर गोटा नहीं है ये देखिए इस तरह से मैंने कट किया। और कट करने के बाद ये थोड़ा सा जो बचा है इसे अंदर मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इस तरह से करना है हमें। अब देखें यहाँ पे हमें इस तरह से इस पर ऐसे आएगा, हल्का सा चढ़ के आएगा और ऐसे करके प्लेट बनानी है ऐसे। ये देखें इस तरह से ऐसे हम पूरे पे प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ पे प्लेट बनाने से पहले आप क्या करें, ये जो आपका दोनों पीस है इसे इस तरह से एक सिलाई लगा के ज्वाइंट कर दें, इसे आपको प्लेट डालने में आसानी रहेगी। तो चलिए मैं इसे ज्वाइंट करती हूँ। अब देखिए एक पट्टी तो मैंने आपके सामने सिल दी, एक पट्टी में हमारा पूरा राउंड कम्प्लीट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपनी दूसरी पट्टी लेंगे और इसे भी इस तरह से मोड़ना है। ये देखें इसका एक्स्ट्रा हिस्सा आप कट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसे इस तरह से मोड़ूंगी और ये जो हमारी पट्टी है इसे इसमें इस तरह से डालेंगे। ये देखें ये हमने डाल दिया और बस डालने के बाद हमें इसे स्टिच कर देना है। तो ये भी हमारी इसके साथ ही हो जाएगी, देख के कहीं से लगेगा भी नहीं और सिलाई भी नहीं हमें लगानी पड़ेगी। तो चलिए मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा ये स्टिच हो गया है। अब हम यहाँ पे अपनी प्लेट बना लेते हैं। अब हमें प्लेट डालने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखें इस तरह से ऐसे पूरे राउंड पे प्लेट डालनी है। आप चाहें तो सिंपल सी ऐसे पहले सीधी प्लेट बना लें उसके बाद यहाँ पे सिलें, और आप चाहें तो मेरी तरह इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो। ये देखें यहाँ पे भी आप अपनी मशीन की सिलाई को लंबा ही रखें और इस तरह से यहाँ पे हमें सिलना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 प्लेट बना के स्टिच किया और फिर यहाँ पे इस तरह से ये प्लेटें हमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ानी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान देना है, बस एक दूसरे के बराबर में डालते चले जाना है जिससे हमारा फ्रिल जो है वो अच्छा सा आए। ये इस तरह से ये देखें,
तो चलिए मैं यहाँ पे पूरे राउंड पे प्लेट बना देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे पूरे राउंड पे इसे लगा लिया, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये लग गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे इस तरह से मोड़ते हैं। ये हमने मोड़ा और यहाँ से मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ लेते हैं। यहाँ पे हमें इसकी कमर कट करनी है, तो बुकरम को अच्छे से बराबर करते हुए मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद देखें इस तरह से हमें यहाँ पर कमर कट करनी है 1.1 इंच की, 1 इंच से 1 पॉइंट अधिक रहेगा ये इस तरह से 1.1 इंच। ये देखें आपके सामने मैं कर रही हूँ, ये इस तरह से हमने यहाँ पे कमर कट कर देनी है। अब इन सभी मार्क को ऐसे आपस में मिला देंगे और मिलाने के बाद यहीं से हम इसे कट कर देंगे। ये देखें ये इस तरह से हमें कट करके निकाल देना है इसे। ये हमारी यहाँ पे कमर जो है वो कट हो गई है, ये देखें इस तरह से। अब हमें क्या करना है, एक सिलाई हम यहाँ से ऐसे लगाते हुए आएंगे, ये पूरे राउंड पे लगाएंगे और यहाँ से यहाँ लगा लेंगे, क्योंकि देखिए नीचे वाला अस्तर हमारा चिपका नहीं रहता है, वो देखें इस तरह से ये निकला हुआ है, तो लगा देंगे तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद हम इसे कट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगाती हूँ। देखिए ये हमारा जहाँ से खुला है वहीं से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर दिया, अलग हो गया है हमारा दोनों। हमने यहाँ पे अब नेट का फैब्रिक ले लिया है, इसे देखिए हमने डबल करके प्रेस लगा दिया है, ये इस तरह से हमारा डबल है, देखिए डबल करके प्रेस लगा दिया है। इसे हमें यहाँ पे फ्रिल बनानी है, ये देखें ये यहाँ पे ऐसे इतनी इसके ऊपर येलो वाले के ऊपर इतना चढ़ेगी, ये देखें ये इतनी चढ़ी हुई है, लगभग हमारा आधे इंच से थोड़ा सा अधिक है, तो यहाँ पे इतनी चढ़ानी है इसे। तो यहीं से हम सिलना इसे स्टार्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पे पहली बात तो आप इसे एक बार मोड़ लें, मोड़ लेने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और मोड़ने के बाद हम इसे लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से एकदम सीधा सिलते हुए ऊपर तक आएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे एकदम सीधा यहाँ तक सिल दिया है। अब हमें यहाँ पे प्लेट बनानी है, तो घनी प्लेट बनाएंगे थोड़ी। ये देखिए ये इस तरह से प्लेट बनानी है ऐसे, यहाँ पे आपको गोलाई अपनी बराबर ध्यान देनी है कि यहाँ पे ये बराबर हो, ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बनाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 प्लेट बनाई। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पे आप एक एक प्लेट भी करके स्टिच कर सकते हैं, और अगर आप 2-3 प्लेट बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों तीनों प्लेट को स्टिच किया। लास्ट प्लेट हमने सिली तो हमारी सुई जो है वो देखिए अंदर गई, ये इस तरह से सुई अंदर गई, यहाँ से उठाएंगे। अब देखिए ये निकलेगा नहीं, ये यहीं पे हमारा एडजस्ट रहेगा। अब फिर से हमें नीचे से ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है कि ये हमारा पूरा अच्छा सा गोल आए और फिनिशिंग के साथ आए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर एक प्लेट बनाई है, ये देखें दूसरी प्लेट बना दी और ये तीसरी प्लेट बना दी, ये इस तरह से ये देखिए बनाई। फिर यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और ये सिल देंगे। ये देखिए हमने सिल दिया, फिर हमारी सुई अंदर गई, और फिर सेम चीज़ इसे हमें हल्का हल्का सा ऐसे खिसकाते जाना है, गोल घूमते जाएगा, और यहाँ पे हमें घनी प्लेट डालनी है, एकदम घनी, जितनी आप घनी डाल सकेंगे उतना ही अच्छा ही आपका फ्रिल आएगा। ये देखिए ये इस तरह से मैं यहाँ पर घनी प्लेट डाल ली हूँ और इसे हमें अच्छे से सेट करते हुए सिलना है। ऐसे ही करके हम इसके पूरे राउंड पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करती हूँ और इसे हम जल्दी जल्दी से सिल देते हैं।
ये देखिए हमने यहाँ तक सिला और यहाँ पे मैंने 45 इंच लंबाई का फैब्रिक लिया था, लगभग आधे में हमारा 45 इंच लंबाई का फैब्रिक खत्म हो गया है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम प्लेट डालते हैं, ऐसा नहीं है कि जोड़ लेते हैं, इसे जोड़ना नहीं होता है, जोड़ेंगे आप तो फिनिशिंग नहीं आएगी आपकी अच्छी। तो देखिए इस तरह से ये लिया मैंने और यहाँ इस प्लेट पे चढ़ाऊंगी और देखिए यहीं से अपनी प्लेट स्टार्ट कर दूंगी। ये देखने में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ से हमने दूसरा फैब्रिक लगाया है, अगर आप ज्वाइंट करके सिलते हैं तो देख के वो पता चलता है कि हाँ यहाँ दूसरा फैब्रिक लगा हुआ है। तो देखिए इस तरह से अब हम फिर वैसे ही प्लेट बनाएंगे अपनी। ये देखें ये ऐसे करके पूरे घेर पे हमें अपनी गोल सी प्लेट बनाते हुए यहाँ आना है और यहाँ भी ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे सिल दिया, कितनी फिनिशिंग से हमारा आ गया है, आप देखें बहुत ही अच्छे से आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इस पे एक बार अच्छे से प्रेस लगा देंगे जिससे ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए प्रेस लगा देती हूँ, नेट का फैब्रिक है, इसके ऊपर प्रेस लगानी है। प्रेस को एकदम हल्का गर्म करके लगाएं आप, बहुत ज़्यादा गर्म करके ना लगा दें। ये देखिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस लगा दी अच्छे से, ये हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया। अब क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करके आपको एक चीज़ देखना है कि यहाँ आपने जो सिलाई लगाई है ये पूरी आपकी बुकरम पे ही है ना, अगर कहीं आपकी सिलाई नेट पे है तो यहाँ आप क्या करें, पीछे की साइड से एक बार पूरे राउंड पे सिलाई लगा दें। तो मेरी यहाँ पे सारी बुकरम पे है, कोई भी नेट पे नहीं गई, तो मैं यहाँ से देखें इस तरह से इसे बराबर करके कट कर दूंगी। ये पूरी गोलाई से हमें जो एक्स्ट्रा नेट है हमारी वो निकाल देनी है और उसके बाद हम इसे टिश्यू रिबन की हेल्प से लॉक करेंगे और फिर नेफा अटैच करेंगे। तो ये देखें बहुत इजीली ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये देखें मैंने अभी 10 नंबर के काना की पोशाक की वीडियो अपलोड की, तो आप सभी लोग के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ 9 नंबर के लिए बताइए, तो मैंने 9 नंबर के लिए भी बता दी। और इसका डायमीटर हमारा आएगा 13 इंच, तो आप में से जो लोग 8 नंबर के काना को पहनाते हैं 13 इंच डायमीटर की पोशाक वो भी पहना सकते हैं। ये देखें ये हमारा हो गया है, ये इस तरह से आएगा, बहुत खूबसूरत लगती है गाइस। इस पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, येलो कलर की कुछ पैच या बूटी अगर इस पर आप राउंड पे लगा देते हैं वाइट पे, तो भी आपका ये पूरा एकदम अच्छे से रेडी हो जाता है। अब देखिए इसे यहाँ से इस तरह से लॉक करूँगी, ऐसे करके हमें लॉक कर देना है। चलिए दोनों साइड से लॉक करती हूँ। ये देखिए हमारा हो गया है, यहाँ से लॉक हो गया है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और नेफा लगाएंगे। तो नेफे के लिए एक वीडियो मैंने बना के अपलोड की हुई है, वो भी अभी कुछ ही दिन हो रहा है, 10-15 दिन पहले की वीडियो होगी, आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको और एक पट्टी कट करना मिल जाएगा और नेफा किस तरह से लगाते हैं एकदम डिटेल में मिल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे मोड़ लिया, ये मैंने और एक पट्टी लिया और पीछे की साइड से रख के ये पूरे राउंड पर स्टिच करूँगी। तो चलिए हम इसे सिल देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे पीछे की साइड से सिल के हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर दिया। अब इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ये देखें ये इस तरह से हमें फ्रंट पे लाके इसे मोड़ना है। यहाँ से एक बार और मोड़ूंगी और ये हमने डोरी ली है यहाँ पे डालेंगे और इसे इस तरह से पलट के हमें सिल देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस पर सिलाई लगा देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर दिया, कितना इजीली हमने इसे बनाया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बन गया, आप खुद ही देखें। अब यहाँ पे हमें इसकी चोली बनानी है। और एक चीज़ और गाइस, नेफे पे सिलाई लगाते वक्त यहाँ पे आपको अपनी सिलाई लॉक जरूर करनी है, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। और दूसरी चीज़, आपको डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो चले ये हमारे नीचे का घेर कम्प्लीट हो गया, चोली बनाना बताती हूँ आपको। अब देखिए चोली के लिए मैंने यहाँ पे नेट का फैब्रिक लिया है, चौड़ाई हमने रखी है 6 इंच और लंबाई भी मैं आपको सिलने के बाद बताती हूँ क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। किस तरह से सिलना है, एक बार इधर से फोल्ड किया
एक बार इधर से फोल्ड किया, ये देखिए ये इस तरह से, और फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक सिंपल सी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इसे सिल लेती हूँ। अब देखिए चोली के लिए हम यहाँ से इसमें से इस तरह से 16 इंच लंबाई का लेंगे। ये देखिए ये यहाँ से 16 इंच का मैं कट कर ले रही हूँ, ये मैंने कट कर लिया। अब बस इतने को हमें टिश्यू रिबन की हेल्प से लॉक करना है। तो मैंने यहाँ पे ये टिश्यू रिबन ली हुई है, इसकी हेल्प से इसकी ये जो हमने अभी सिलाई लगाई है जिस साइड, वो साइड इस तरह से लॉक कर देंगे तो हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी और थोड़ा सा अच्छा लगेगा देख के। ये हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर दिया। अब क्या करेंगे, इस तरह से इसे ऐसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद हमें इसे सेंटर से कट कर देना है। ये सेंटर से कट हो गया। सेंटर से कट होने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से तिरछी सिलाई लगा देंगे थोड़ी दूर। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब बस यहीं पे हमें ये डोरी रख के सिल देनी है तो हमारी ये चोली भी कंप्लीट हो जाएगी। तो डोरी को इस तरह से रखूंगी और यहाँ पे सिंपल सीधी सी सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड से सिलाई को लॉक कर लेंगे। चलिए स्टिच कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई और ये हमारी चोली भी हो गई। तो इस तरह से एकदम सिंपल और इजी तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।